लोकसभा चुनावों को लेकर राजनेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू जिले में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के लिए जनता से मौके की मांग करते हुए अपने कामकाज गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा, अब तक उन्होंने जो काम किए वो सिर्फ ट्रेलर है। उन्होंने इस खाने की थाली में पहले परोसे जाने वाले एमपी ट्रेजर बताया। प्रधानमंत्री ने तीन तलाक की प्रथा को खत्म किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि हमने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। उन्होंने कहा, अब तक जो हुआ वो बस एक ट्रेलर है। आजकल बड़े होटल में खाना खाते हैं तो बड़े एपेटाइजर लेकर आते हैं। कभी लगता है यार पेट भर गया, क्या खाएंगे। मोदी ने जो किया वो एपेटाइजर है। अभी तो पूरी थाली आनी बाकी है, बहुत कुछ करना है और बहुत सपने बाकी हैं। हमें देश को आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने याद किया कि किस तरह से उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के बाद चूरू की धरती से ही कहा था कि देश को रुकने और झुकने नहीं देंगे। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगा गया। पीएम ने कहा कि नया भारत देश में घुसकर मांगता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 370 खत्म किए जाने के लेकर तीन तलाक पर रोक लगाने तक का जिक्र किया। उन्होंने तीन तलाक की वजह से मुस्लिम परिवार को होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए कहा, तीन तलाक पर कानूनी हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। मेरी मुस्लिम बहन माताई समझे, ये तीन तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही, साथ ही मुस्लिम बेटियों के सिर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, साथ ही मुस्लिम परिवारों की भी रक्षा की है। काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात मैं आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी दो तीन चार जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं, तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आनी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है।